स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। और आज का हमारा टॉपिक है वॉल स्ट्रीट क्रैश, जो कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ल्ड वॉर टू का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट पर जरूर गौर करें, क्योंकि ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा कि कैसे उस टाइम का लेसेज फेयर है और कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था कहीं हद तक जिम्मेदार था इसके लिए 1929 की जो डिप्रेशन थी। तो आपको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा समरी आपको देना चाहूंगा कि हुआ क्या था उस टाइम पे। अमेरिकन कंपनीज जो थी वो बूम पे थी, पूरा अमेरिका अमेरिकन इकोनॉमी बूम पे थी। ऑलमोस्ट 20% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इनके हाथ में था। और दूसरी बात, जो कि यूरोपियन कंट्रीज और अदर कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिवास्टेटेड हो गए थे, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन पावर राइज पे था और मोस्ट इनका सारा जो एक्सपोर्ट है वो भी यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि प्रॉस्पेरिटी जो उस टाइम पे थी वो बिल्कुल परमानेंट है, ये बदलने वाली नहीं है। दूसरा पॉइंट था कि हर्बर्ट सी रूबर, जो कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, 1928 में उनका चुनाव हुआ था और ये इसी प्रॉमिस पे आए थे कि ये जो मोमेंटम है ये हम हमेशा कंटिन्यू रखेंगे, जो कि बूम है वो कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बट एक छोटी सी खबर, कुछ इन्वेस्टर्स ने क्या किया कि 1929 में अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। और ये र्यूमर जैसे ही आम लोगों के बीच पहुंचा वो भी अपने शेयर्स बेचने के लिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आने लगे। इससे क्या हुआ कि खरीदार बहुत कम बच गए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में और सेलर जो है वो ज्यादा हो गया। तो इससे क्या है, शेयर प्राइसेस और गिरने लगे। और जैसे ही लोगों की संख्या ज्यादा होने लगी, बेचने वालों की, शेयर प्राइसेस और गिरने लगे। और फिर क्या हुआ कि ये एक पैनिक बन गया कि अब तो शेयर हर कोई बेचना चाह रहा था, कोई खरीदार बचा ही नहीं। और ब्लैक ट्यूसडे जो कि कहा जाता है 29 अक्टूबर को, उस दिन शेयर मार्केट ने एक दिन में $30 बिलियन का लॉस हो गया। यहाँ ये बेसिक समरी है कि इवेंट्स कैसे हुए और कैसे ये वर्ल्ड क्राइसिस के रूप में सामने आया, तो उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये एक बेसिक समरी है कि क्या हुआ एक्चुअली में 1929 में। अब गौर करते हैं कि डिप्रेशन का कारण क्या था। सबसे पहला, डोमेस्टिक ओवर प्रोडक्शन। 1920 तक क्या चल रहा था कि हर कंपनी ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, और क्योंकि उस टाइम पे मैकेनाइजेशन भी आ गया था, मतलब प्रोडक्शन लाइन में मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन आ गया था, तो प्रोडक्शन और ज्यादा होने लगा। और एक टाइम में ऐसा आ गया कि 1929 तक आते आते अनसोल्ड गुड्स, मतलब कि जो वेयर हाउस में है गुड्स बढ़ने लगे। और मतलब ये हो गया कि जितनी डिमांड है उससे ज्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और अगर चीजें बिकेंगी नहीं तो फिर लोगों की जरूरत नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि आपके पास पहले से ही इतना माल पड़ा हुआ है और वो बिक नहीं रहा है, तो नया माल आप बनाओगे नहीं। और अगर आप नया माल नहीं बनाते हो तो छटनी शुरू कर देते हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। दूसरा था इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनका 1923 से 29 के बीच सिर्फ 8% एवरेज वेज बढ़ा, मतलब कि उनकी सैलरी सिर्फ 8% बढ़ी, जबकि इंडस्ट्रियल प्रॉफिट उसी टाइम में 1923 से 29 के बीच 72% बढ़ी। तो कहीं ना कहीं ये रीजन था कि जो इनइक्वालिटी वो बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियल पावर्स जो कि प्रॉफिट अगर थोड़ा और मतलब जेनरस रूप से शेयर करते, अगर यहाँ पे 20% भी होता तो शायद इनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होती। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो, उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होती तो खरीदारी ज़्यादा करते, तो इससे क्या होता, अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता और इकोनॉमी भी अच्छी रहती, बट ऐसा हो नहीं रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि परचेजिंग पावर लोगों की घटने लगी। और अल्टीमेटली क्या हो गया कि मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्होंने क्या किया, मिलियंस ऑफ अमेरिकन वर्कर्स को हटाने लगे धीरे धीरे,
इससे क्या हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, तो और परचेजिंग पावर घटने लगी। और बेसिक पॉइंट यहाँ पे ये है कि उस टाइम पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम भी नहीं थी, जैसा कि अभी डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, उस टाइम पे नहीं था। बिल्कुल लेसेज फेयर सिस्टम था कि अगर मतलब कि मार्केट में डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल रॉ रूप में लेसेज फेयर ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम था। तो यहाँ से ये भी एक रीजन था कि इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, तो ग्रेट डिप्रेशन कहीं ना कहीं आने ही वाला था। एंड तीसरा रीजन था कि डिमांड वाज फॉलिंग, मतलब जो मार्केट में डिमांड थी गुड्स की वो घट रही थी। और अमेरिकन्स ने क्या किया, अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो टैरिफ कर लगाने लगे, जो फॉरेन गुड्स थे, जो यूरोप या जापान से गुड्स आ रहे थे, उन पर टैरिफ लगाने लगे। तो इससे क्या हो रहा था कि अगर आप अदर कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं तो वो कंट्रीज भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएगी, तो एक्सपोर्ट इनका धीरे धीरे घटने लगा। और एक फेमस था फोर्ड ने मैकुंबर टैरिफ, जो कि मेनली ये था कि फॉरेन गुड्स जो है वो अमेरिकन डोमेस्टिक मार्केट से बाहर रखे जाए, मेनली इसी के लिए लगाया गया था। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज ने भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि जो ओवर प्रोडक्शन था यूएसए में कंपनीज के द्वारा, तो उसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में भी गिरने लगी। क्योंकि कोई आपका अगर माल इंपोर्ट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे आता है। और चौथा सबसे बड़ा रीजन और सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो था, स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन होता क्या है, तो ये एक ऐसी चीज है कि आप स्पेकुलेट करते हो कि चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं, और इस उम्मीद में आप चीजें खरीदने लगते हो। और चीजें यहाँ पे क्या है, शेयर्स। आप शेयर्स इस उम्मीद में खरीदते हो कि इसके दाम बढ़ने वाले हैं, और जिनको नॉलेज नहीं भी है, आम लोग भी, वो जैसे एक रूमर फैल जाता है कि यार इस प्रोडक्ट का शेयर, इस कंपनी का शेयर का दाम बढ़ने वाला है, तो हर कोई वहां पे स्पेकुलेट करने लगता है। तो दो फॉर्म होते हैं, एक तो होता है डिविडेंड स्पेकुलेशन का। तो डिविडेंड जो होता है बेसिकली, डिविडेंड में क्या करते हैं कि कंपनी जो है एनुअली जो प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। और दूसरा होता है क्विक सेलिंग, मतलब कि इस उम्मीद में कि आज सुबह शेयर खरीदा और एक हफ्ते तक रखा, और इस उम्मीद में कि एक हफ्ते बाद इसका दाम इतना ज्यादा हो जाएगा, हम लोग शेयर खरीद लेते हैं। तो दो रूप से ये चल रहा था वहां पे। और फिर क्या हुआ कि एवरेज प्राइस जो शेयर का था, आप देख सकते हैं कि 1924 से 29 के बीच जो एवरेज एक शेयर का प्राइस $9 से $26 हो गया था, और फिर 1929 में रस आवर शुरू हो गया। ऑर्डिनरी पीपल जो आम जनता थे, उन्होंने अपने सेविंग्स इवन लोन लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट है कि स्टॉक ब्रोकर जो हैं वो क्रेडिट पे शेयर्स बेचने लगे, मतलब कि आप शेयर खरीद सकते हो आज के लिए, बट आप पे इसको 1 महीने बाद या 6 महीने बाद भी कर सकते हो। और बैंक्स उस टाइम पे, आपको 23,000 बैंक्स थे उस टाइम पे अमेरिका में, उस टाइम पे 23,000 बैंक्स थे। और उन्होंने क्या किया कि जो फिक्स डिपॉजिट थे उन्होंने भी प्रॉफिट के मोटिव में लगाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि आप देख सकते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं भी है शेयर मार्केट की, वो भी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं वहां पे। और स्टॉक ब्रोकर, सबसे बड़ी गलती कि उन्होंने क्रेडिट पे शेयर बेचने शुरू कर दिया, मतलब कि एक्चुअली में मनी है नहीं मार्केट में, बट उन्होंने क्रेडिट पे वो मनी क्रिएट कर दिया। और बैंक जो कि इतने ज्यादा थे, 23,000 बैंक, उन्होंने भी जो फिक्स डिपॉजिट थे उनको लगाने शुरू कर दिया वहां पे। और फिर क्या हुआ 1929 में, जब ये पहला
फिर क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मड इन्वेस्टर्स थे, जो मतलब हार्ड कोर इन्वेस्टर्स थे, उनको कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये पूरी जो शेयर मार्केट है क्रेडिट बेस्ड हो गई है, मतलब बैंक्स भी आ गए हैं, शेयर होल्डर्स क्रेडिट पे बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट गिरने वाला है। तो इन्फॉर्मड इन्वेस्टर जो थे, जो जानकार थे, उन्होंने पहले शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। अब अगर उन्होंने बेचने शुरू कर दिए तो र्यूमर फैल गया कि क्यों शेयर बिक रहा है, तो एक रश आवर फिर से शुरू हो गया, लोग अब शेयर बेचना चाहते थे और हर कोई शेयर बेचने के लिए पहुंच गया वहां पे। और फिर क्या हो गया कि ऐसा हो गया कि लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर बेच रहे थे और बायर कोई मार्केट में बच ही नहीं रहा था। और फाइनली ब्लैक थर्सडे माना जाता है, जिस दिन 30 मिलियन शेयर्स एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दिए गए। अब क्या हो रहा है कि कोई खरीदार है नहीं और शेयर के प्राइस गिरने लगे, और शेयर के अगर प्राइस गिरते हैं तो कंपनीज पर इफेक्ट होता है, कंपनीज मतलब उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, और मार्केट वैल्यू कम होती है तो उनको कहीं ना कहीं इनर लाइन पे प्रोडक्शन लाइन कम करना पड़ता है। प्रोडक्शन लाइन अगर कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो परचेजिंग पावर घटती है, परचेजिंग पावर घटती है तो अनसोल्ड गुड्स ऑफ स्टॉक मतलब कि वेयर हाउस में गुड्स की मतलब कि नंबर्स बढ़ने लगते हैं। इससे क्या होता है कि अब ना तो परचेजिंग पावर बची और गुड्स इतने ज्यादा हैं कि कोई खरीदने वाला नहीं है। अब ये क्राइसिस का रूप ले लेती है। और फिर क्या हो गया कि 1930 तक जो मार्केट शेयर था उसका 25% घट गया। अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 30,000 अभी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू है और 2 महीने में इसका 25% घट जाए तो 30,000 का 25% कितना होगा, 7,500, और ये 22,500 पे पहुंच जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसके अंदर जो इकोनॉमी है वो भी घट गई 6 महीने में। तो मतलब कि ये एक क्राइसिस का रूप ले चुकी थी और इसका इफेक्ट जो था लोगों पे वो बहुत ही बुरा था। तो देखते हैं कि क्या हुआ वहां पे। सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स थे, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स वेंट बैंकक्रप्ट, मतलब कि लाखों की संख्या में इन्वेस्टर ने अपने पैसे खो दिए। और इन्वेस्टर ने जो पैसे लगाए थे क्रेडिट लेके, मतलब बैंक से या कहीं से क्रेडिट लेके बोरोइंग पे लगाए थे, तो उन पे भी इफेक्ट हुआ क्योंकि अब वो रिटर्न तो आना नहीं है उनके पास। और उस टाइम पे जैसा कि मैंने बताया 23,000 बैंक थे तो 8,000 बैंक बैंकरप्ट हो गए। और अगर बैंक बैंकरप्ट हो रही है तो मतलब है कि लोग अगर पैसे निकालने के लिए जाएंगे तो उनके पास पैसे भी नहीं बचे बैंक के पास जो कि वो दे सकें। तो ये एक बेहद मतलब कि क्राइसिस का रूप ले चुका था उस टाइम पे। अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़नी ही थी। तो क्या हो गया कि 14 मिलियन लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। और फिर जो यूएस उस टाइम पे क्रेडिट लाइन, यूरोपियन कंट्रीज जो डिवास्टेटेड हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उनको क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करा रही थी, वो बंद कर दिया उन्होंने और बहुत ही कम कर दिया। इससे क्या हो गया कि जर्मनी में हिटलर का राज प्रोमिनेंट हो गया, मुसोलिनी का राज प्रोमिनेंट हो गया, क्योंकि हर कंट्री जो है, जो यूएस मदद से किसी तरह चल रही थी, अब वो भी स्टॉप हो गया। तो ऐसे में हार्ड कोर जो राइट विंग लीडर्स थे उनका इमर्ज हो गया, हिटलर ने इसका फायदा उठाया। और फाइनली जो है नाजीज्म उस टाइम पे, फासिज्म पूरी दुनिया में आने लगी। तो ये था 1929 का वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। और हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इसका इफेक्ट हुआ यूरोप पे, और फाइनली हम लोग मूव करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इट। स्टे ट्यून्ड ऑन ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू।